माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, अब कल है वेडनेसडे एंड उसके बाद मंथली एक्सपायरी हम लोग अक्टूबर की देखने वाले हैं। किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, क्या ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखा रहा है और मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना है या नहीं बना है, सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। क्या कोई ऑप्शन उठा सकते हैं क्या इस वाली एक्सपायरी के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ की वीकली एक्सपायरी के लिए भी अगर कोई ऑप्शन उठाना चाहे तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीन स्टॉक्स रिकमेंड करने वाला हूं। इसके अलावा जो कल हम लोगों ने आप लोगों को एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके दी थी, गो एंड चेक दैट वॉच लिस्ट बिकॉज बहुत ज्यादातर स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मेंस दिया है। एंड तत्वा जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था वो 10% आज ऑलरेडी भाग चुका था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बातें बाद में भी शेयर करेंगे। हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है जो रिकमेंडेशन के लिए वो है एशियन पेंट्स। पे मैंने अभी राइट नाउ अपना वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं इट्स ऑन अ राइजिंग हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई कंटिन्यूसली इट्स मेकिंग। सो एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है एंड बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा है। अगर मैं देखूँ ये जो मेरा बॉटम है और ये मेरा प्रीवियस टॉप था, एग्जैक्टली 38 और 50 के इन बिटवीन था और वहीं से इसने एक रिवर्स दिया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम है एंड ये टॉप है। आप देख सकते हैं 38 और 50 पे एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया प्लस अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो इसको भी हम लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डेफिनेटली ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने एक जोन क्रिएट कर रखा था आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, मल्टीपल रेजिस्टेंस था, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट गेव अ रीटेस्ट और यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है इस जोन के अंदर। जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट बन चुका है। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट के अंदर ही आया, वहां पर कंसोलिडेट करा और फाइनली आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर 200 एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा रखा है, तो मूविंग एवरेज का भी 200 दिन के मूविंग एवरेज का भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस लेवल के नीचे तो एशियन पेंट्स बिल्कुल भी नहीं जा सकता एंड अगर जाता है तो यस तब हेवी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, बट अदरवाइज ये अभी सपोर्ट का काम जरूर करेगा एंड यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो करंट प्राइस ऑफ एशियन पेंट्स इज अराउंड 2970। हम लोग बाय कर सकते हैं अबव 2985 रुपीज के ऊपर। जैसे ही 2985 के ऊपर जाता है ये हम लोगों को एक अच्छी मोमेंटम दे सकता है। अगर मैं बात करूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, सो अगर हम लोग 2985 के ऊपर बाय करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे हुआ बिकॉज इट कैन क्रिएट अ डबल बॉटम एज वेल। सो हमें थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अदरवाइज जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चलूंगा, ये मेरा सबसे पहला टारगेट हुआ जो कि ये एक छोटा सा हर्डल की तरफ काम कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक छोटा सा हर्डल की तरफ काम मेरा कर सकता है। अदरवाइज जो होगा मेरा टारगेट वो अल्टीमेटली प्रीवियस स्विंग हाई होगा जो कि ये पर्टिकुलर लेवल है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका बहुत अच्छा चल रहा है, एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो हमारा दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप क्लियरली देखिएगा मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि सारे लोस को कनेक्ट कर रही है एंड द ब्लैक लाइन इज फॉर द रेजिस्टेंस जो सारे हाइस को कनेक्ट कर रही है। हुआ कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट और ब्रेकआउट आप देख सकते हैं एक शार्प इंपल्स मूव आई, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम और एक कप हैंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन इसने फुलफिल करा एंड उसका ब्रेकआउट दिया प्लस अपने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक अपमूव, एक पेनेंट पैटर्न और उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी है, ये जो बॉटम है ना, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। कैसे? सो मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था, आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट फॉल, दूसरी बार ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फॉल करा, बट तब हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बन गया और फाइनली वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकल गया। सो यानी कि अब ये वाला जो एक लेवल है, ये पर्टिकुलर जो एक लेवल बन चुका है, लेट मी शो यू, ये जो एक लेवल बन चुका है ये लेवल एक सपोर्ट की तरफ अब काम कर चुका है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग अभी करेंट लेवल्स पे या अगर कल डिप भी आती है तो भी अपना एक्युमुलेशन कर सकते हैं ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरा जो फर्स्ट टारगेट है दैट शुड बी 57 रुपीस एंड उसके बाद मुझे लगता है ये और नए हाईज या अपने प्रीवियस स्विंग हाई 61 रुपीस तक भी जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जोन से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 47 रुपीस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बाय चांस स्टार्टिंग में खुलते ही अगर ये डिप दे तो यू कैन स्टार्ट बाइंग और यू कैन स्टार्ट एवरेजिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। स्टॉक नेम इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी रिकमेंड करा था कि हमारी वॉचलिस्ट के अंदर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक था। मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड क्लियरली आप देख सकते हैं जो सबसे पहले एक हर्डल था वो जून 2019 पे था और वहीं से एक शार्प फॉल हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखी थी, जो 500 पॉइंट की गिरावट थी, 500 पॉइंट का फॉल था। और इवेंचुअली इसने 2021 मे पे एक ब्रेकआउट दिया एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट एट 680 लेवल इट मूव्ड अप टू 850 लेवल, यानी कि 200 पॉइंट्स की रैली भी करी। एंड आफ्टर दैट अभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर इसने जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, दैट रेजिस्टेंस नाउ बिकम इट्स सपोर्ट बाय गिविंग अ बाय डूइंग इट्स अ डबल बॉटम पैटर्न। सो अब इसने एक ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एंड फॉर्मड अ डबल बॉटम पैटर्न और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। वो कैसे देखने को मिल रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेंडलाइन ड्रॉ करी हुई है और ये मेरा एक अपर रेजिस्टेंस वाला है। इसके अलावा तो ट्रेंडलाइन का तो बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्लस आप देख सकते हैं रेंज का मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया हुआ है जो कि लोअर लोस एंड लोअर हाइज को कनेक्ट कर रही है। अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू एट दिस पर्टिकुलर टॉप, सो आप क्लियरली देख सकते हैं इस बॉटम और टॉप का 61% जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल होता है, एग्जैक्टली इसने वहां पर अपना सपोर्ट ले रखा है, वहीं पर एक डबल बॉटम क्रिएट करा है। अब एक बार चलते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख जाएगा, आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है और उसके एक सपोर्ट पे ये एक्चुअल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक विद अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसके अलावा अगर मैं 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर, 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत ही ज्यादा बढ़िया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। सो अब बात करें स्टॉप लॉस एंड टारगेट की, तो हमारा अगर हम लोग करेंट लेवल्स पे भी बाय करते हैं या वी कैन बाय ऑन डिप्स एज वेल। सो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दैट शुड बी अराउंड 47 रुपीज का एंड माई फर्स्ट टारगेट शुड बी 47, यानी कि 1:1 का रेशियो टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे दिख रहा है जो कि मेरा सबसे पहला है। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, बिकॉज यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इट्स एन हर्डल, ये एक हर्डल है जो एक्ट कर सकता है, बट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो मेरा टारगेट हो जाएगा 1:2.5, 1:3 का, जो कि बहुत अच्छा है यूपीएल के अंदर। सो यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल एज ऑन डिप नियर अराउंड 700 रुपीज, वॉच दिस स्टॉक। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट दिखा दूंगा एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और शेयर करना चाहता था वो भी आपके साथ क्लेरिफाई हो जाएगी। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। अब आप देखिएगा मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लोस से कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा हुआ है जो कि मैंने अगस्त 2021 के लोस को कनेक्ट करके बनाई है, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो एंड रिसेंटली इसने फोर्थ लो क्रिएट करा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे एंड वहां से अब ये इसने बाउंस करा है बाय क्रिएटिंग एंड बुलिश हैमर पैटर्न, ठीक है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं अब एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर इंडेक्स काम कर रहा है बहुत टाइम से। अब आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एक बाउंस कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, ये बॉटम था, इस बॉटम से एक रैली आना स्टार्ट हुआ। सो बॉटम पे हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली, तो ये रहा हमारा बॉटम, ये रहा हमारा टॉप एंड एग्जैक्टली जो सपोर्ट इसने लिया है एट 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे इसने अपना सपोर्ट लिया है विच इज वेरी गुड, और उसके बाद वहां से बाउंस करा बाय क्रिएटिंग अ बुलिश हैमर पैटर्न एंड बाय ओपनिंग अ गैप अप टुडे इन टुडेज मार्केट, सो इट्स फुलफिल इट्स पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप देखिएगा इस ये एक रेंज के अंदर एक रेंज के तरीके से नीचे आ रहा था, आप क्लियरली देख सकते हैं और फाइनली इसने इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं आप लोगों के लिए, जब मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये एक रेंज के अंदर नीचे आया था एंड फाइनली अब इस रेंज के ऊपर ही निकलना स्टार्ट कर गया है। एक हर्डल जो है वो है 18,236 पे जो कि उसके करंट प्राइस से ऊपर है, जो हर्डल है वो ऊपर है करंट प्राइस उसका ऊपर है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, अगर कल डिप मिलती है और एट 18,200 के आसपास आप बाय नहीं करेंगे, आपको डिप में बिल्कुल भी बाय नहीं करना जब तक मार्केट 18,310 को क्लोज नहीं करती है या 315 के ऊपर नहीं जाती है, यू डोंट हैव टू बाय। बट इस बात को याद रखिएगा जैसे ही निफ्टी 18,315 के ऊपर 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज कर दे, आपका ये जो बॉटम था ये बॉटम सस्टेन हो चुका है और ये अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर, और मार्केट अपने प्रीवियस हाईस को भी टेस्ट करेगी और उसके भी ऊपर जा सकती है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो आईवीज हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं और कम है, अभी आईवीज थोड़ी सी कम है तो प्रीमियम अभी हम लोगों को थोड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो डू ट्राई टू बाय नेक्स्ट वीक नवंबर ऑप्शन
आप लोग 18,400 या 18,500 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड, बट मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। आप क्लियरली देख सकते हैं कल बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट बढ़ा था पर निफ्टी गिरा हुआ था, आज निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ा हुआ है पर बैंक निफ्टी गिरा हुआ है। सो देर इज अ हाईली वॉलेटिलिटी वॉलेटाइल मार्केट। सो वट वी कैन डू, वी कैन बाय इंडेक्स एट, वी कैन बाय निफ्टी 50 इंडेक्स कॉल ऑप्शन ऑफ 18,500 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। या फिर मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने कल लेकर आता हूँ, जो कि हम एक स्प्रेड लेकर आते हैं जिसके बेसिस पे हम डेफिनेटली नेक्स्ट नवंबर का मंथली का हम लोग स्प्रेड मेंटेन करके वहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट वीकली। सो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि ये बॉटम है और ये हमारा एक अल्टीमेट टॉप है और एग्जैक्टली उसके मिड पे अभी ये काम कर रहा है। सो हम इस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर भी चल सकते हैं, बट हम लोग आईवी चेक करेंगे तो मैं आपके सामने कल एक फुल प्रूफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आ जाऊंगा। बट मेनली अगर आप लोग एक सिंपल हो तो आप लोग 18,500 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का वीकली ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, नॉट दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी, इट्स मंथली एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ का वीकली एक्सपायरी आप लेकर चल सकते हो। एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा भी मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार बात करते हैं बैंक निफ्टी की एंड फिर ओपन इंटरेस्ट का डाटा पे चलते हैं। सो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है एंड ये क्लियरली है, आप यहाँ खुद देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल का इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट सस्टेन्ड एट दिस लेवल और उसका फिर ब्रेकआउट दिया बाय क्रिएटिंग अ बुलिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर डेफिनेटली क्लोज करा है जिस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बट अब आप देखिएगा ये बॉटम है, ठीक है, ये वाली कैंडल देख रहे हैं जो एक शार्प डोजी कैंडल बनी है। इसका जो बॉटम है और इसका जो टॉप है, बॉटम क्या है इसका 40,500 और टॉप है 41,800 रुपीज का, क्लोजिंग है 41,200 रुपीज की, यानी कि 600 रुपये ऊपर और हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे 600 रुपये नीचे, 650 रुपये नीचे है इसका डाउन साइड है, तो यानी कि इन बिटवीन काम कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, अगर यहाँ से 100 रुपये ऊपर जाता है तो वी कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ दिस, अदरवाइज 100 रुपये नीचे जाता है वी कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। बट एक बात याद रखना, कल मैं आपके साथ था कि परसों तक मैं आपके साथ था कि हम लोग बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, निफ्टी को नहीं, बिकॉज निफ्टी के अंदर कन्फर्मेशन नहीं आया, बट ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी कन्फर्मेशन आ चुका है, प्लस टेक्निकल के बेसिस में भी कंफर्मेशन आ चुका है अब निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी पे हम लोग बाय बनाएंगे, नॉट इन बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बेसिस में बना रहे थे बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी साथ दे रहा था, टेक्निकल भी साथ दे रहा था, बट अब बैंक निफ्टी में से अकॉर्डिंग अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो निफ्टी सबसे ज्यादा साथ दे रहा है। सो लेट्स मूव टू ओपन इंटरेस्ट डाटा एंड चेकआउट। ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया है, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ना एक पैटर्न के ऊपर वीडियो लेकर आता हूँ, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में कहा था कि जैसी मेरी वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी मैं दोबारा आपके सामने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। बट येस गाइस, मैं जब अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कल बैठ के पूरी फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करी है एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये 1 घंटा 17 मिनट की बनी है, ऑलमोस्ट 1 आवर 17 मिनट्स की ये वीडियो बन गई है, जिसपे अभी सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करा है, लाइव मार्केट पे मैंने आप लोगों को इस पर एग्जाम्पल्स नहीं दिए। सो ऑलमोस्ट ये 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अब मुझे पता अगर 1 आवर 40 मिनट्स की अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर तो डेफिनेटली वो भी एक पैटर्न के ऊपर, तो कोई नहीं देखना चाहेगा, कोई भी देखना नहीं चाहेगा एंड बहुत कम व्यूज आएंगे, तो और वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक लाइव वेबिनार क्रिएट करने वाला हूँ इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 घंटा 40 मिनट एक पैटर्न को समझाने में ऐसा क्या है, फ्लैग एंड पोल तो सिंपल होता है कि एक फ्लैग और पोल बन रहा, ब्रेकआउट हो रहा, हमें बाय करना है। बट गाइज एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बता रखा है कि मैंने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली रखी है, मैंने खुद ही पढ़ा है, खुद ही मार्केट की साइकोलॉजी, स्टॉक्स के साइकोलॉजी को समझा है, तो मैंने एक एक पास्ट के चार्ट्स को रीड करा है, उसकी साइकोलॉजी के बिहेवियर के थ्रू काम करा है। सो आई नो कि फ्लैग एंड पोल आप लोगों के माइंड में बात आती होगी कि 2 तरीके से होते हैं, बुलिश और बियरिश, बट आपको ये बात नहीं पता कि बुलिश के भी 3 फैक्ट होते हैं, बियरिश के भी 3 तरीके होते हैं, बाय करने के 3 तरीके होते हैं, ना बाय करने के भी 3 तरीके होते हैं। ये सारी चीजें मैंने इस 2 घंटे के वेबिनार पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो वो बहुत जल्दी आ जाएगा वेबिनार, और वेबिनार वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो एक्चुअल में सीरियस है लर्न करने के लिए, और ऐसे में और वेबिनार्स भी कंडक्ट करते रहूंगा तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं डेफिनेटली यूट्यूब के अंदर अपलोड नहीं करने वाला, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो मैं आप लोगों को लाइव वेबिनार पे ही, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ वही देख पाए, ओके। सो बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी की, तो निफ्टी परसों एक्सपायरी है एंड आप क्लियरली यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कॉल और पुट चेंज, कॉल चेंज नेगेटिव है यानी कि कॉल अनवाइंडिंग हो चुकी है, पुट चेंज अभी भी है यानी कि एक सपोर्ट बन चुका है, सिर्फ इस थर्सडे एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ।
हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 18,200 पे, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सेकंड हाईएस्ट है 18,300 पे। मैंने आपको कहा है 18,315 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो ही हमें अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है। अब आप देखिएगा कॉल राइटर्स सब सारे के सारे कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग कर चुके अपनी पोजीशन। सो मेनली अगर कल गैप अप खुलता है और 18,315 के ऊपर जाता है तो देर इज अ हायर चांस ऑफ शॉर्ट कवरिंग और बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी वहां से और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर कल गैप अप खुलता है सेम स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, एक एक मिनट की तीन कैंडल देखो, अगर वो अपने प्रीवियस पहली कैंडल के ऊपर क्लोज करती है और बुलिश होती है तो आप लोग अपना बाय करके चल सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी स्टेबल है। बैंक निफ्टी में कॉल चेंज सबसे ज्यादा है और पुट चेंज कम है। मैंने आपको बताया ना पहले हमारे दो दिन से निफ्टी पे ओपन इंटरेस्ट डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा था बट टेक्निकल कर रहा था, तो हमने उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने दो दिन तक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया था, बैंक निफ्टी के अंदर ही लेते रहे। बट अब यहाँ पर निफ्टी का सपोर्ट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डाटा भी और चार्ट्स भी, तो हम लोग निफ्टी पे ट्रेड लेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग है 41,000 पे और अभी ट्रेड कर रहा है 41,230 पे, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। कॉल और पुट चेंज अगर आप देखेंगे तो वास्ट डिफरेंस है, 3.8 मिलियन और 0.8 मिलियन। सो मेरे हिसाब से हम यही करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी साइडवेज टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड रह सकता है, बट हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो निफ्टी के अंदर मिल सकती है। सो कल हम निफ्टी को बाय करके ही चलेंगे। बाय ऑन डिप्स नहीं करना, हमें बाय तभी करना जब 18,315 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, या फिर अदरवाइज शुरुआत में अगर जो भी प्राइस पे गैप अप खुलता है उस प्राइस पे तीन कैंडल देखिए एक एक मिनट की, जो भी पहली कैंडल अगर ग्रीन बननी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और उसके ऊपर दो जो हम दो कैंडल की बात करेंगे जो कि 9:16 को बनेगी और 9:17 को बनेगी, वो दोनों कैंडल में से कोई एक कैंडल अपने प्रीवियस वाली कैंडल जो 9:15 को बनेगी उसके ऊपर ब्रेकआउट होनी चाहिए तो हम अपना बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वॉच लिस्ट, ये वाली वॉच लिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत सारे स्टॉक्स ने वॉच लिस्ट में परफॉर्मेंस दिए। एशियन पेंट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं और थोड़े बहुत स्टॉक्स मैंने और ऐड कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।